हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट मैथ्स का चैप्टर 8 नंबर्स फ्रॉम 21 to 50। तो देखिए, इसमें जैसे कि हम लोगों को बना के दे रखा है, पहले इन लोगों ने एक बंडल जो है वो 10 का बना दिया है और उसके आगे 8 मैचस्टिक्स और बना दी हैं, तो इसलिए हो गया 18। तो ऐसे ही सिमिलरली 8 का बंडल बन गया है और ये आगे कितने काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया 15। ये 10 का बंडल है और आगे कितने हैं, 3 और 3 प्लस 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अब आगे देखते हैं, फिर हमें राइट द नंबर्स, हम लोग को वंस और टेंस में बनाए हुए हैं, तो फिर जो ये 10 है, इन्होंने एक 10 का बंडल ले रखा है और वंस के लिए हम लोगों को एक 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 चिट मतलब दी हुई है, तो फिर हम इसमें आगे देख लेते हैं। तो टेंस का हम लोग एक बंडल बना देंगे, पूरा का पूरा एक, जैसे कि जैसे इन्होंने बंडल बनाया हुआ है ना, ऐसे करके एक बंडल बना दिया, और वंस के लिए इनको 4 दिया था वंस पे, तो इन्होंने 1 2 3 4 मैचस्टिक्स बना दी। हम यहाँ पे 5 दिया है, तो हम यहाँ पे 5 लाइंस बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 पे क्या है, 10 है, 10 का एक है और यहाँ पे वंस पे 2 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के लिए हम एक 1 यूज़ करेंगे और वंस के लिए 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर 2 10s हैं, तो 2 10s हैं, तो इसका मतलब हमें ऐसे करके नॉर्मल सा जो बंडल है वो ऐसे करके डबल डबल करके बनाना पड़ेगा, और 0 1s है, तो 1s पे कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका आ जाएगा 2 तो 10s पे है और 1s पे 0 है, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। अब हमारा 10s पे तो एक ही है और 1s पे कितने अकाउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 है, 1s पे तो 19 आ जाएगा। अब हमें दे रखा है इसमें क्या दे आगे कि 10s पे 2 है, तो हमें जो बंडल सब बना देते हैं, 2 ऐसे करके 10s पे हैं और 1s पे 2 हैं, तो इसका आंसर 22 आ जाएगा। फिर हमें राइट द नंबर, अब हमें नंबर बताने हैं, 10s पे 2 है, 1s पे 3 है, तो इसका 23 आ जाएगा, 10s पे 4 है, 1s पे 2 है, तो इसका हो जाएगा 42। आगे देखते हैं, फिर 10s पे क्या है हमारे, 10s पे हमारा है ये देखिए, 10s पे 2 है, 1s पे कितना है, 3 और 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 26 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, और ये कितने हैं, 6, तो ये 46 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बंडल हैं और 1s पे तो कुछ भी नहीं है, तो 40 हो जाएगा। 10s पे 3 है और 1s पे कितना है, 4 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। फिर आगे है 10s पे 3 और 1s पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 39 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे 10s पे और आगे काउंट कर लेते हैं, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर नंबर्स 21 से 40 के लिए हमें करना है, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बंडल्स हैं 10s पे और एक है 1 पे, तो 21, और इसी तरीके से हमें 23 तक बताए हुए हैं, 3 वाला बना लेते हैं, तो 23 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 25 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं 2 वाले से, फिर यहाँ पे 2 बंडल 2 का है और यहाँ पे 6 1s हैं, तो 26 हो जाएगा। यहाँ पे हम 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 बना लेते हैं क्योंकि 2 10s हैं, 7 1s हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। फिर हमें 2 10s दिए हुए, 9 1s दिए हुए, 29 बताया हुआ है, 2 10s और 1 10, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30, क्योंकि 2 10s हैं, 2 10s क्या होते हैं, 2 10s 20 को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 10 यानी कि 1 10, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ऐसे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें 3 10s और 1 दिया हुआ है, फिर 3 10s दिए हुए हैं, तो ऐसे करके आप बंडल सा बना सकते हैं, 10 का बंडल और फिर यहाँ पे 3 ये हैं और 2 ये हैं, तो 32। इसी तरीके से यहाँ पे 3 10s हैं तो 3 और 3 1s हैं तो 3, तो यहाँ पे ऐसे 3 बना लीजिए। फिर आगे 34 का देखते हैं, तो 3 का जो बंडल है ये है और यहाँ पे 4 है, इसे नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर 44 आ जाएगा। इसमें 3 बंडल ऐसे करके बना लीजिए 10 10 के, और फिर आगे हम देखें तो ये 35 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 36 हो जाएगा। फिर आगे 3 10s हैं और फिर 7 1s हैं, तो ये 37 38 है, तो 8 आप यहाँ पे ऐसे करके बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
9 है तो 9 यहाँ पे वंस बना लीजिए 9 करके, और फिर 40, 40 कैसे करते हैं, 40 का हम बता देते हैं आपको। जैसे कि 3 10s हैं तो 30, और 1 10 का मतलब हो गया 10, तो 30 + 10 हो जाएगा कितना, 40। इस तरीके से 40 आ गया है। 50 तक का देख लीजिए, तो 4 10s हैं तो यानी कि 40 होता है इसका मतलब, और इसका होता है 1, तो 41, 4 10s और +2 तो 42, 4 10s + 3 43, ऐसे ही 4 10s का बंडल पूरा बना लीजिए ऐसे करके, और ये पूरा टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 44। अब ये यहाँ पे 4 10s है, 1 2 3 4 5, तो 45, 1 2 3 4 5 6, तो 46। अब यहाँ पे हमें 47 दिया हुआ है क्योंकि 4 10s और 7 1s हैं। अब हम लोग 4 10s यहाँ पे हैं और 7 8 1s हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1s हो जाएंगे। अब हमें 4 10s यहाँ पे बनाने पड़ेंगे क्योंकि नहीं दिए हुए हैं, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। और 9 1s दिए हुए हैं तो 59 है ना, और 50 का कैसे, जैसे पहले लॉजिक लगाया था 40 + 10 है ना, तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि 4 10s का मतलब होता है 40 और 1 10 का मतलब होता है 10 है ना, तो 40, 40 + 10 सॉरी 50 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमें मिसिंग नंबर नॉर्मल काउंटिंग ही है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16 के बाद 17, फिर यहाँ पे 18, 19, 20, फिर 21, 22, फिर 23, 24, 25, 20, नॉर्मल काउंटिंग ही लिखनी है, जैसे काउंटिंग होती है ना पूरी की पूरी 1 से लेकर के 50 तक, इसी तरीके से आपको पूरी काउंटिंग लिखनी है, जो ये वाला है मिसिंग नंबर वाला जो हमें पार्ट इसमें दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको फिल करके दिखा रही हूँ, ऐसे आप अपनी बुक में इजीली फिल कर सकते हैं। तो हमारा अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया चैप्टर कंप्लीट, ये हमारी पूरी टेबल भी फिल हो गई। सो थैंक यू सो मच।